हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल डॉट पी पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टीम इंजन। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्टीम इंजन है जो कि काफ़ी छोटा है। इसे आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। आपने यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें काफ़ी बड़ा बड़ा स्टीम इंजन बनाकर दिखाती हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा है साइज में। तो आज बस इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके पार्ट्स आप कहाँ से खरीद सकते हो, लोकल मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, इसके पार्ट आप लोकल मार्केट से, अपनी लोकल मार्केट से ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी खरीद सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर से दूंगा। तो दोस्तों स्टीम इंजन बनाने के लिए सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है आपके पास वो होती है कि आप उसका सिलेंडर, पिस्टन तथा ये जो वॉल्व है, ये आप देख सकते हो इधर, ये वॉल्व कहाँ से बना है। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके आसपास आसानी से अवेलेबल हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ये एक इंजन का पार्ट है और ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप इसे कहाँ से खरीद सकते हो अपने लोकल मार्केट में, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बनाते हैं स्टीम इंजन। तो दोस्तों स्टीम इंजन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फ्रेम की। तो मैंने ये फ्रेम तैयार किया हुआ है, ये कार्डबोर्ड का है, आप चाहो तो प्लाईवुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो साइड्स हैं जिस पर मैं अपना इंजन असेंबल करूँगा। तो आपको क्या करना है कि जो कार्डबोर्ड आप लोगे या प्लाईवुड, तो उसकी ये चौड़ाई जो है कम से कम आपको 3 सेंटीमीटर रखनी होगी। और 3 सेंटीमीटर और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप उसको कितना लंबा बनाना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नीचे होल करना है, ये इस तरीके से हमने किया हुआ है। तो इसमें एक आपको बोल्ट डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद अपना कोई भी अपनी तरफ से एक फ्लाई व्हील चूज़ कीजिए, जैसे कि ये मैंने बैरिंग का बनाया हुआ है व्हील। तो आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग, इससे ये टच ना होने पाए इतनी ऊपर, आपको दूसरा होल करना है जैसे कि मैंने ये वाला किया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इस होल में ये जो मेरी क्रैंक शाफ्ट है, ये जो क्रैंक है, हम इसको इसमें असेंबल करेंगे। तो मैं इस साइड इसमें पिस्टन लगाने वाला हूँ, तो इसी साइड मुझे ये क्रैंक असेंबल करनी होगी। तो मैं इसको इसमें असेंबल कर लेते हैं और फ्लाई व्हील को भी लगा देते हैं। अभी फ्लाई व्हील असेंबल हो चुका है, अब हम दूसरी वाली साइड भी इसमें लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से, ये इधर से ही है क्योंकि हमारा सेकंड साइड भी इसमें असेंबल हो जाएगी इस तरीके से। नाउ ये बैक साइड है, इसमें हम इसका दूसरा बेस लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट टाइट हो चुका है। दोस्तों यहाँ इसको इंस्टॉल करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फ्लाई व्हील है, ये इस तरीके से एकदम स्मूथली घूमना चाहिए। अगर ये थोड़ा टाइट घूमेगा तो हमारा इंजन इतना अच्छी तरह से नहीं चलेगा जितना कि चलना चाहिए। तो ये एकदम फ्री घूमना चाहिए इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट पार्ट है जो इसमें हम अब यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर लगाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सिलेंडर और ये इसका पिस्टल है, ये मैंने कहाँ से बनाया है। तो दोस्तों सिलेंडर और पिस्टल बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ इस तरीके के पार्ट की। ये एक पार्ट है, एक इंजन का ही पार्ट है एक्चुअली में, जो हमारे यहाँ फंक्शंस में जो जनरेटर चलते हैं इस तरीके के, उनके अंदर, उन जनरेटर्स की फ्यूल पंप के अंदर ये पार्ट पाया जाता है जिसे हम प्लंजर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे प्लंजर कहते हैं। और ये जो है आपको आपकी लोकल मार्केट में किसी भी हार्डवेयर की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी शॉप पर अवेलेबल नहीं है तो आप इंजन रिपेयरिंग वाले की शॉप पर जाइए, वहाँ से वो आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं भी उसे वहीं से लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा इस तरीके से पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट है नीचे का, वो मैंने इस तरीके से इतना हाफ है। और यहाँ से जो अपर का पार्ट है, ये आप देख सकते हो, ये ऊपर का पार्ट ये वाला है, ये जो होल है इसमें सेम ये वाला होल है इस तरीके से। तो मैंने इसको, इन दोनों को काटा क्यों, एक्चुअली क्या था कि अगर मैं इसको सेम रखता तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का लगता,
लेकिन मैंने इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए कि अच्छा दिखे, मैंने इसको यहाँ से काटा और इस तरीके से हाफ इधर कर दिया है और हाफ़ ये मेरा इधर आ जाएगा, तो इससे थोड़ा लुक अच्छा हो जाता है। तो यही था वो पार्ट जिसके बारे में आपको बताना चाहता था, और ये आसानी से किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आप भी एक स्टीम इंजन बनाना चाहते हो तो आप इसी का इस्तेमाल करिए, ये बहुत अच्छा है, एकदम फ्रीली मूव होता है इसमें। और अगर आपकी कोई भी परेशानी हो इससे रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे अपना इंजन असेंबल कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। नाउ नेक्स्ट जो है, अब हम इसमें अपना पिस्टन असेंबल करेंगे, पिस्टन और सिलेंडर। तो पिस्टन असेंबल सिलेंडर करने के लिए हम सिंपली ये जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है इसमें हम इसको प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ना अभी ये इधर उधर मूव कर जाएगा तो मैं ये लगा देता हूँ इस पर। टाइट करने के लिए भी इसको स्क्रू लगा देते हैं इसमें। इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है, तो ये अब हमारा सेट हो चुका है। अभी हम इसको फैट कर देंगे इस तरीके से। नाउ ये तो मेरा पिस्टन और सिलेंडर का सेट था, और ये जो है जो कि मैंने आपको बताया ये ऊपर से काट का बनाया हुआ है इसका, ये हमारा वॉल्व का काम करेगा। वो वॉल्व का काम कैसे करेगा देख सकते हो आप, ये जो पार्ट है ये इसके अंदर लगेगा। तो इसमें आप ये एक कट देख सकते हो, अगर कट नहीं भी हो तो आप इसको ग्राइंडर वगैरह से बना सकते हो। तो ये जो कट है ये आप देख सकते हो यहाँ फिट होने वाला है अंदर, इसमें हम इसको इसमें लगा देंगे। ये अभी जब मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे करूँगा तो देख सकते हो ये यहाँ पर टोटली क्लोज हो गया है, इसका मतलब यहाँ से किसी भी तरह की एयर अंदर को नहीं जा सकती। लेकिन हम जब जैसे इसको ऊपर को मूव करते हैं देख सकते हो आप ये ओपन हो गया है। नाउ ये जो ओपन हुआ है इधर से जो स्टीम हमारी एंटर करेगी, और इधर अंदर आप कट दिख रहे हो, ये जो आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ये वाला जो कट है, ये जो कट है इससे होकर के स्टीम बाहर आ जाएगी। तो ये ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन मूव करेगा और हमारा इंजन चलने लगेगा। तो अब इसको सही से असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं, तो ये हम इसमें इनको डाल देंगे, स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। नाउ अभी हमारे सारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं, देखिए ये काफ़ी स्मूथली मूव कर रहा है, और इसी तरीके से आपका भी इंजन मूव करना चाहिए, अच्छे से फ्रीली एकदम मूव होना चाहिए। नाउ अभी हम अपने जो वॉल्व का रिमेनिंग पार्ट है इसको इसमें असेंबल करेंगे। तो पहले हमें ये थोड़ा इस तरीके से इसको लगा लेंगे ताकि ज़्यादा अंदर ना चला जाए, और इसको हम यहाँ पर ऐसे असेंबल कर देंगे। आप देख सकते हो ये भी काफ़ी फ्रीली ही आपका मूव करना चाहिए एकदम से। नाउ अभी क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो इस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये बाहर को निकल सकता है। तो इसको ये बाहर ना निकलने पाए इसके लिए मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और इसको भी स्क्रू से टाइट कर देते हैं। दोस्तों सभी स्क्रूज को आप अच्छी तरह से टाइट करें। फर्स्ट टाइम में क्या था कि मेरा ये निकल गया था सबसे पहले। तो अभी हमारा इंजन ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें ये वाली इसको और जॉइन करनी है, और हमारा जो वाल्व जिससे मूव होगा वो भी अभी हमें इसमें फिक्स करना है। तो चलिए पहले जो जिससे वाल्व मूव होगा उसे लगा लेते हैं। तो वाल्व के लिए मैंने ये तैयार किया हुआ है, ये बेसिकली एक तरह का क्रंक ही है ये जो आप बैक साइड में देख सकते हो। लेकिन इस क्रंक में क्या होता है कि ये तभी मूव करेगा तब ये वाला एक्सेस आगे को नहीं हो, लेकिन ये तभी मूव कर सकता है जब ये आगे को हो। तो मैंने ये बनाया हुआ है, इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं है, ये जो है मैंने एम सील से बनाया हुआ है। एम सील को आपको क्या करना है कि किसी भी इस तरीके के उसमें सर्कल में रख देना है, तब वो सेट हो जाए। तो उसके सेंटर को छोड़कर आप कहीं भी होल उसमें कर लीजिएगा, ये आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको इसमें अटैच कर देते हैं। नाउ इसको हमें इसमें डालना होगा इस तरीके से, ये हमारा
इसमें भी लग जाएगा इस तरह से। और ये और यहाँ पर हम इसको बाहर ना निकल जाए इसलिए थोड़ा ये लगा देते हैं ना। अभी हमारा ये वाला पार्ट रह गया है तो इसके लिए मैंने ये दो सिरिंजेस का इस्तेमाल किया है। उसके पीछे के हिस्से को मैंने काट करके इस तरीके से कुछ जॉइन कर दिया है, आप देख सकते हो ये इधर से एयर इसमें मूव करेगी ना। इसको हम यहाँ लगा देते हैं ना। इसको यहाँ सेट करने के लिए हम इंस्टेंट ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ना। अभी ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा ना। अब जो है हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है हमें, इसमें टाइम, ये जो वॉल्व है इसकी टाइमिंग मैच करनी होगी। यानी कि अभी देखिए टाइम वॉल्व कैसे मैच होगा कि जब ये हमारा जो क्रैंक है, ये क्रैंक इस पोजीशन पर है एकदम टॉप पोजीशन पर। अभी जब ये टॉप से थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि हम इस इंजन के आरपीएम इधर रखने वाले हैं, तो पिस्टन थोड़ा सा इधर आए यहाँ पर, और इस पोजीशन पर ये जो है आपका वॉल्व ये ओपन होना स्टार्ट होना चाहिए, यहीं से खुलना होना शुरू हो जाना चाहिए इसको। लेकिन अभी क्लोज है तो इसे यहाँ से ओपन करने के लिए क्या करेंगे कि अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा इसको मूव करना। आप देखिए यहाँ से ये ओपन होने लगा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये ओपन होने लगा है, लेकिन ये जो पोजीशन है ये ज़्यादा हो गई, तो ये थोड़ा और पहले ओपन होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरीके से। ये अभी ये जो है ये एकदम परफेक्ट हो चुका है इस तरीके से। तो अब हम इस स्क्रू को भी टाइट कर देते हैं ना फ्रेंड्स। अभी जो हमारा स्टीम इंजन है ये एकदम वर्क करने के लिए रेडी है। अभी हमें यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट करना होगा जो कि स्टीम के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं पहले छोटा सा ये कर लेता हूँ इसी में इस तरीके से, और इसको भी ग्लू से सेट कर देते हैं ना। अभी देखिए ये आप देख सकते हो, ये है ये वाला, ये पैसेज है यानी कि ये इसका साइलेंसर है। तभी यहाँ से जब स्टीम आएगी और क्लोज हो जाएगी तो जो स्टीम होगी वेस्ट जो हो जाएगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और मैंने इसमें एक पैसेज इधर भी बना दिया है, वैसे तो ये भी साइलेंसर ही है, लेकिन आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आपको नीचे ही कट मार देना है, वहाँ से स्टीम निकल जाएगी। तो अभी ये हमारा जो इंजन है ये वर्क करने के लिए रेडी है, चलने के रेडी है। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको चलाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी रियल स्टीम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हम मैंने ये बोतल है, ये जो आपके कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती हैं 2.25 लीटर बोतल है ये, और इसके कैप में मैंने ये आप देख सकते हो ये जो साइकिल का जो ट्यूब होता है उसके अंदर जिसमें हवा भर जाती है वो मैंने यहाँ पर फिट किया हुआ है, और जो दूसरा होल है उधर से मैंने ये पाइप कनेक्शन लिया हुआ है इस तरीके का। और ये जो है ये इसका नॉब है, ये क्या करेगा ये इसके प्रेशर को रेगुलेट किया है। और ये जो बोतल है इस बोतल में मैंने पंप से, अपने हैंड पंप से, जो नॉर्मल पंप्स होती हैं जिससे कि आप अपने टायर्स में हवा भरते हो, उससे एयर को कंप्रेस किया हुआ है। आप अगर इतनी बड़ी बोतल ले रहे हो तो उसमें आप लगभग 40 से 50 पंप ही इसमें कंप्रेस कीजिएगा वरना ये फट जाएगी। तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसको रख देते हैं ना। अभी क्या करना है, अभी जो मैंने बताया था ऐसे वीडियो में पहले, ये जो नॉब है इधर से हमारा स्टीम है या फिर हाई प्रेशर जो भी एयर है इसमें एंटर करेगी। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे ना। ये प्रेशर की वजह से बाहर को ना निकलने पाए उसके लिए मैं थोड़ा ये पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से पिन लगा दी है ना। दोस्तों अभी जो हमारा इंजन है वो आप देख सकते हो, ये आप यहाँ से एक पाइप कनेक्शन आ रहा है इस तरीके का, और ये मेरा नॉब इस हाथ में है, और जैसे मैं यहाँ से प्रेशर रिलीज़ करूँगा तो ये हमारा इंजन घूमना स्टार्ट कर जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये वर्क करता है या नहीं ना। मैंने इसको प्रेशर को थोड़ा सा लीक किया और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये अच्छे से एकदम काम कर रहा है। आप देख सकते हो वहाँ से इस तरीके से प्रेशर इसमें आ रहा है और ये इधर है, और ये काफ़ी स्मूथली एकदम
अच्छे से, मतलब क्या कहने इसके, एकदम बढ़िया ये वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये जो पोर्टल है, इधर से इसका जो वेस्ट प्रेशर हो जाता है वो यहाँ से निकल रहा है। और आप अगर यहाँ का ना बना पाएँ तो आप यहाँ से, जैसे मैंने बताया है यहाँ पर एक कट है, उससे भी इसका वेस्ट निकल रहा है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं इसको आपकी इसकी हाई स्पीड दिखा देता हूँ, पूरा नॉब खोल के आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ है। और जैसे जैसे इसका प्रेशर कम होता जाएगा बॉटल में, इसके आरपीएम कम होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और एक लाइक ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अगर आपका स्टीम इंजन से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से आपको दूंगा। और अगर आप इस स्टीम इंजन को रियल स्टीम से चलता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।